जो संगठन में रहते हैं वे लोग इस यात्रा में जा रहे होंगे और हमारी जगह जगह मीटिंगें चल रही है, तो हो सके कि यात्रा और मीटिंग एक ही रूट पर हो जाए, तो वे चल रहे। हमने किसी को मने नहीं करा ये कोई ना जाए, क्योंकि किसी की आस्था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकती है, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। भैया ये राकेश टिकैत है जिनकी बातों में कई तर्क होते हैं, मामला वही कि जो पकड़ो तो जानो। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी यही हुआ। एक और खबर आई कि इन बड़के किसान नेता को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला है। खबर ये थी कि इसमें वो शामिल होंगे, यात्रा का स्वागत करेंगे, लेकिन एकाएक टिकैत साहब ने कह दिया ना। ये हमारे लोग इसमें जा रहे होंगे, जो संगठन में रहते हैं वे लोग इस यात्रा में जा रहे होंगे और हमारी जगह जगह मीटिंगें चल रही है, तो हो सके कि यात्रा और मीटिंग एक ही रूट पर हो जाए, तो वे चल रहे। हमने किसी को मने नहीं करा ये कोई ना जाए, क्योंकि किसी की आस्था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकती है, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तो जा सकता है उसमें। तो टिकैत साहब कहते हैं कि वो संगठन के लोगों को नहीं रोक रहे, वो संगठन के लोग शामिल हो सकते हैं, कहते हैं कि वो तो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। तो संकेत ये भी देते हैं कि यात्रा और संगठन की मीटिंग एक रास्ते पर हो सकती है, वो गजब के इत्तेफाक का इशारा भी करते हैं। हमारी मीटिंग है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हरियाणा के लोग रहेंगे, पंजाब के रहेंगे, उत्तराखंड वाले रहेंगे, तो वहाँ पे कई जगह के लोग रहेंगे, तो एक ही जगह वहाँ पे हम लोग की मीटिंग होगी वहाँ पे, और वो यात्रा के दौरान इत्तेफाक है कि यात्रा के दौरान मीटिंग हो रही, क्योंकि इनकी भी कई राज्यों में सरकारें हैं, हम उस संबंध में बातचीत करेंगे जो वहाँ के किसान हैं उसके संबंध में। हिमाचल में इनकी सरकार आई, सेब का पूरा व्यापार अडानी वहाँ पे करता है, अडानी के वहाँ पे सीमेंट प्लांट है जो बंद कर रहा है, क्या वो भारत सरकार के कहने पे अडानी ने हिमाचल के सीमेंट प्लांट बंद करे? वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर है उनकी समस्या है। छत्तीसगढ़ में हमारा एक आंदोलन चल रहा है रायपुर में, नया रायपुर प्रसार है, तो उसके संबंध में बात करेंगे, और इनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए एग्रीकल्चर पे, तो उस संबंध में सारी हमारी बातचीत है एक डेलीगेशन की। तो टिकैत कहते हैं कि ना यूपी ना हरियाणा कहीं भी वो इस यात्रा में शामिल नहीं होने वाले, ये तो महज इत्तेफाक है कि हरियाणा में उनकी मीटिंग हो रही है और वहीं से कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। लेकिन जिस तरह के वो संदेश दे रहे हैं उसके कई मायने हैं, इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि टिकैत कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होकर किसान आंदोलन को राजनीतिक बनाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी यूपी चुनाव से पहले टिकैत का नाम अखिलेश यादव के साथ जोड़ा जा रहा था कि वो सपा को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि टिकैत बीजेपी के खिलाफ खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए। आप लोग टिकैत के इन संदेशों और फैसले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि अब तक शुभकामनाएं और संदेश तो राहुल गांधी की इस यात्रा को तमाम दिग्गजों की ओर से खूब मिले हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा राहुल की यात्रा में साथ नजर नहीं आया है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।